गुलबर्गा शहर में कई अरसे बाद आखिरकार रिंग रोड खरगे पेट्रोल पंप से हमनाबाद सर्कल तक सर्विस रोड का काम शुरू किया गया है। लगातार रिंग रोड की खराब हालत और सर्विस रोड न होने की वजह से यहाँ कई एक्सीडेंट हुए हैं और यहाँ कई पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल लीडर सोशल एक्टिविस्ट ने एहतजाज कर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन NHAI और RTO के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते देखे गए हैं। आज गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन से जोनल 3 कमिश्नर मुजम्मिल आलम, AEE सुनील बंटी, एजाज इनामदार के अलावा इरफान, मोसब उमेर, दत्तू और सैनिटरी इंस्पेक्टर पुलिस ऑफिसर्स यहाँ मौजूद थे। कॉरपोरेशन ऑफिसर्स ने गुलबर्गा हेडलाइन से एक्सक्लूसिव बात कर इनको दिए गए डायरेक्शन की डिटेल बताते हुए कहा, यह सर्विस रोड पर मौजूद हर तरह के इंक्रोचमेंट को साफ कर रहे हैं और पूरी तरह से सफाई होने के बाद NHAI अपना काम शुरू करेगी। इस मौके पर कांग्रेस यूथ लीडर अजीम शेख ने बताया, सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर गुलबर्गा नॉर्थ ML कनिस फातिमा की तरफ से दिए गए डायरेक्शन पर इस काम को शुरू किया है। पिछले 5 सालों में BJP MP होने की वजह से काम को रोका गया था और अब इस बार कांग्रेस से राधाकृष्ण MP बने हैं। अजीम शेख ने कहा, MP राधाकृष्ण नॉर्थ ML कनिस फातिमा और इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खड़गे मिलकर सर्विस रोड को बनाने का काम करेंगे। आज गुलबर्गा में कई अरसे बाद रिंग रोड के अतराफ में सर्विस रोड का काम यहाँ पर शुरू होता नजर आ रहा है। जिस तरह से आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लगातार यहाँ पर आज सुबह से खड़गे पेट्रोल पंप से लेकर हमनाबाद सर्कल तक कॉरपोरेशन की जानिब से यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट किया गया है, जो कब्जे किए गए हैं, जिस तरह से टेंट मारे गए हैं, बैनर्स लगाए गए हैं, बोर्ड्स लगाए गए हैं, इन तमाम चीजों को यहाँ पर हटाया जा रहा है और उसके बाद NHAI डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर सर्विस रोड का वर्क चालू होगा। इस तरह से हमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिली है। तो आज हमारे साथ यहाँ पर महानगर पालिके के जोनल कमिश्नर मुजम्मिल आलम साहब और AEE एजाज अहमद और दीगर कई ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे बात करेंगे किस तरह से यहाँ पर इनको डायरेक्शन दिया गया है, क्या काम यहाँ पर हो रहा है। सर मुजम्मिल सर, जिस तरह से यहाँ पर इन तमाम एक्टिविटीज आपकी दिखाई दे रही है, किस तरह से वर्क किया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। आज हम कॉरपोरेशन के जानिब से रिंग रोड के सर्विस रोड का एनक्रोचमेंट निकाल रहे हैं। खड़गे पेट्रोल पंप से चौरस्ते से लेकर हम उमनाबाद चौरस्ते तक बोथ साइड जितना भी एनक्रोचमेंट है पूरा निकालने का जो हम ये कर रहे हैं। एनक्रोचमेंट मतलब क्या है? देखिए, इस तरह से भी हमें बताया गया है कि कई लोग हैं अपनी दुकानें अपनी शॉपे भी अपने जमीन से आगे आकर बनाए हैं, उसको भी क्या हटाया जाएगा कि सिर्फ होर्डिंग्स वगैरह बोर्ड वगैरह निकाल रहे हैं? एनक्रोचमेंट में सब आता है, जितने भी जो आगे बढ़ के जो सर्विस रोड में जो आ रहे हैं हमारे मार्किंग में वो भी तोड़ेंगे साथ साथ, और ये झोपड़ी वगैरह जो भी बने वो सब भी हटा देंगे। कितने दिन में काम किया जाएगा? इंशाल्लाह ये काम जल्द से जल्द चालू होगा, इसीलिए हम आपको ऊपर से डायरेक्शन दिया गया है कि इमीडिएट इसको क्लियर करवा दो और काम चालू हो जाएगा। NHAI डिपार्टमेंट का जिस तरह से अभी आपका काम चालू हो गया है, इसके बाद NHAI डिपार्टमेंट का काम आपको क्या लगता है, कब तक आप उनको तमाम चीजें साफ कर देंगे उनको वर्क करने के लिए? नहीं, अब हमारे को ये टारगेट दिया गया है कि खड़गे पेट्रोल पंप सर्कल से लेके उमनाबाद चौरस्ता तक बोथ साइड जो सर्विस रोड में जितना भी एनक्रोचमेंट है क्लियर करने के लिए डायरेक्शन है। इसके बाद बड़े ऑफिशियल लोग आज ऑलरेडी NHAI के साथ मीटिंग हो चुका है, लिहाजा जल्द से जल्द काम चालू होने वाला है। अब इतना ही बाकी बचे हुआ है हमारा जो उमनाबाद चौरस्ते से लेके खड़गे। इस वक्त जो भी यहाँ पर जितने भी दुकानें हैं, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, कमर्शियल जितने भी यहाँ पर होटल्स वगैरह तमाम चीजें यहाँ पर जो अगर रिंग रोड पर मौजूद है, उनको आप गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए क्या मैसेज देंगे? जो लोग आगे आए हुए हैं, जिसके होर्डिंग्स हैं, जिसके बोर्ड लगे हुए हैं, जो वहाँ पर होटलें बाहर लाकर कुछ अपने स्टैंड लगाए हुए हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप? मेरा एक अनबन गुजारिश है पूरे स्टेक होल्डर्स के लिए और पूरे आवाम के लिए, जो कुछ भी आप इलीगल एक्टिविटीज जो बाहर आके लगा रहे हैं वो बंद करना चाहिए पहली बार, और नेक्स्ट जो जितने भी बिल्डिंग्स चल रहे हैं सेटबैक वायलेशन करके ये लोग जो परमिशन जो लेते हैं परमिशन के तहत बिल्डिंग नहीं बना रहे, वायलेशन कर रहे हैं, लिहाजा वायलेशन ना करते हुए जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स है वो फॉलो करने में हमारे को रोड्स ड्रेन्स बनाने में इजी हो जाएगा और सिटी डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन करने में बहुत मदद मिलेगी। जितने भी सर्विस रोड ही नहीं है, जितने भी अंदर के रोड्स हैं, वार्ड के रोड्स हैं, जितने भी जो परमिशन ले रहे हैं परमिशन के तहत काम नहीं कर रहे और सेलर में पार्किंग छोड़ना रूल्स है, सेलर में पार्किंग नहीं छोड़ते हुए और दुकान बना रहे हैं, इसलिए सब लोगों से हमारी गुजारिश है अब नेक्स्ट वही चलेगा। सेलर में जो जितने भी परमिशन के तहत पार्किंग लिए ना वो पार्किंग वैकेंट करके उन्हें पार्किंग रखना बेहतर रहेगा। आप जो भी रिंग रोड की सर्विस रोड का जितना भी एंक्रोचमेंट निकाला जा रहा है ये पूरे कानूनी तहत निकाला जा रहा है, आप पूरे पब्लिक और बिजनेसमैन से यहाँ एक महानगर पालिके से ये गुजारिश है कि कोई भी एंक्रोचमेंट ना करे। आप सर्विस रोड एक ही नहीं, सिटी में जितने भी रोड है जितने भी एंक्रोचमेंट है सब निकाला जाएगा, और हम निकालने से पहले आप ही निकाले तो बेहतर रहता बोल के हम पब्लिक को एक मैसेज देना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के बीच में मीडिया के माध्यम से आके बताया था कि बहुत जल्द सर्विस रोड का काम शुरू होगा। आज जैसे कि आप देख सकते हैं MLA मैडम कनिष्ठ फातिमा जी के डायरेक्शन पर
कॉरपोरेशन कमिश्नर ने अपनी पूरी टीम को भेजा है, जैसे कि मुजम्मिल आलम जोनल कमिश्नर यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी निगरानी में तमाम जो सर्विस रोड पे इलीगल इतने भी बैनर्स थे, जो लोग भी आगे अपने बोर्ड्स लगाए थे, वो तमाम को क्लियर किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सर्विस रोड का काम शुरू हो चुका है। NHAI के जितने भी ऑफिशियल थे, उन्होंने कहा था कि पहले आप इंक्रूजमेंट निकाल लीजिए, उसके बाद हम अपना काम शुरू करेंगे। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, मैं मीडिया के माध्यम से तमाम उन लोगों से भी गुजारिश करना चाहता हूं जो अपने बैनर्स, अपने बोर्ड्स, अपने कुछ भी जो सर्विस रोड पे रखे हैं, जल्द से जल्द खुद अपने हाथों से निकाल लें, वरना कॉरपोरेशन वाले जो है ना JCP से निकाल के उसको लोड करके ले जा रहे हैं। आप तमाम लोग इनको मदद कीजिए, हेल्प कीजिए। ये आप ही लोगों के डेवलपमेंट के लिए आए हैं, आप ही की रोड बनाने के लिए आए हैं, तो आप इन्हें डिस्टर्ब ना करते हुए अपना जो भी चीज आप रखे हुए हैं उसको आप अपने हाथों से निकाल लीजिए। मैं फिर एक बार MLA मैडम कनीस फातिमा जी को शुक्रिया अदा करता हूँ, RK साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ, नौजवान लीडर फराज इस्लाम साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने बहुत ही जल्द डायरेक्शन देकर ये काम शुरू कराया है। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बहुत जल्द सर्विस रोड बनेगी, सर्विस रोड शुरू होगी और हमारे जो इंसिडेंट्स हमारे बीच में आ रहे थे वो इंसिडेंट्स रुक जाएंगे। जजाक अल्लाह खैर।